देश दिन भर में तमाम खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं न्यूज रूम से। तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले हम बता दें कि 25 सांसदों के निलंबन को लेकर आज कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में संसद भवन में प्रदर्शन किया। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। उधर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग सीमा पर हुई, जिसमें एक नागरिक की मौत हुई। इस खबर पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। ठाणे में एक बार फिर एक बिल्डिंग के गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। इस खबर पर भी हम इस पर नजर रखेंगे। और इस हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है। मनचलों की अकल ठिकाने को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी सादी वर्दी में महिला कांस्टेबल की दिल्ली बसों में तैनाती की है, DTC बसों पर। इस खबर पर हमारी विशेष नजर रहेगी। उधर जालंधर में पुलिस ने एक शख्स को पीटने की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, इस पर हम खुलासा करेंगे। और एक मरीज की जिंदगी बचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने खासतौर से डेडिकेट किया है कॉरिडोर को, इस पर भी हम बराबर नजर रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की खबर से। शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली में एक सरकारी स्कूल में लापरवाही के चलते एक छात्र की मौत हो गई। ये छात्र गर्दन के बल मेज पर गिरा था, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाने में देरी की गई। आरोप है कि जहांगीरपुर के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं का छात्र शक्ति को खेलते खेलते गर्दन के बल वो बेंच पर गिर गया। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। आरोप है कि दूसरे बच्चों ने इस घटना के बारे में टीचर को बताया, ना तो टीचर ने और ना ही प्रिंसिपल ने इस ओर ध्यान दिया। इसके बाद शक्ति के साथी उसे खुद ही मोटरसाइकिल से लेकर अस्पताल की तरफ पहुंचे, पर उससे पहले ही शक्ति ने दम तोड़ दिया। प्रिंसिपल का कहना है कि उन्हें लगा कि शक्ति का दौरा पड़ा है, लेकिन बाद में जब उन्हें इस घटना का आभास हुआ, जब उन्होंने कार निकाली, लेकिन तब तक उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल में उन्होंने छात्र को अस्पताल के लिए रवाना कर दिया, लेकिन लापरवाही के चलते एक तरह से शक्ति की मौत हो गई। 10वीं का छात्र बेंच पे से गिरने पे गर्दन पे चोट आई थी, तो नीचे से हम दोस्त खबर गए कि उसके घर साथ नहीं लिया जा रहा उसे, तो हम लोग उसके पीछे पीछे गए, साथ में गए। साथ में जाने के बाद कोई बच्चा उसे साथ में लेके जा रहा था, तो हमने उसे छोड़ के फिर हमने उसे पकड़ा। पकड़ने के बाद फिर ऊपर ले गए जहाँ पट्टी वट्टी लगाई जाती है, तो वहाँ सर कह रहे लेटा दे साइंस वाले क्लास में ले, तो लेटाने के बाद उसे हवा कर रहे। तो मैंने कहा इतने सारे सर सब जा रहे, सर कोई देख ही नहीं रहा। मैंने कहा सर इसके साथ नहीं लिया जा रहा, सही से नहीं बोल पा रही है। और मैंने कहा गाड़ी वाड़ी मंगवाओ प्रिंसिपल के, बोल रहे पानी वाड़ी मंगवाओ, कह रहे प्रिंसिपल कह रहे कुछ कर रहे, अभी कोई गाड़ी निकालने का नाम नहीं ले रहे। और DTC बसों में दिल्ली में मनचलों की अब खैर नहीं। दिल्ली पुलिस की एक खास मुहिम शुरू किया, और इस मुहिम के तहत उसने अपने महिला कांस्टेबल को सादी वर्दी में तैनात किया है बसों में। और इसी के तहत एक महिला कांस्टेबल ने एक लड़के को देखा जब वो बस में छेड़खानी कर रहा था, तो उसने उसे सीधी सजा देने की सोची। और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, छेड़खानी करने वाले लड़के को कांस्टेबल ने कई थप्पड़ जड़े। मैं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस कल से ही उसने ये अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत महिला पुलिस कर्मियों को सादे कपड़े में भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात किया गया। स्कूल कॉलेज के सामने खास तौर से इसकी तैनाती है। पंजाब के जालंधर से खबर आई है, और उसमें तहत पुलिस की बर्बरता सामने दिखी है, जिसमें खास तौर से तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। एक SI ने एक शख्स को जमकर थप्पड़ बरसाए, और ये सब कुछ CCTV कैमरे में कैद हुआ। जालंधर पुलिस के ASI झुलमिल सिंह एक शख्स को लगातार थप्पड़ मार रहे हैं, और राकेश नाम का एक शख्स रहम की गुहार लगा रहा है। पुलिस का आरोप है कि बस्ती शेख इलाके के रहने वाले राकेश के पास से सिरिंज बरामद हुई थी, मगर पुलिस ये नहीं बता पाई कि सिर्फ सिरिंज मिलने से उसका गुनाह साबित हो गया। हालांकि पुलिस के मुताबिक उसे शक था कि राकेश सिरिंज से नशा कर रहा है, मगर ऐसा साबित नहीं हुआ और उसे छोड़ दिया गया। मगर पुलिस ने राकेश की पिटाई क्यों की, इसका उसने जवाब नहीं दिया। सवाल ये है कि अगर युवक कसूरवार था तो उसके खिलाफ केस क्यों नहीं किया गया, और अगर वो निर्दोष था तो उसकी इस तरह पिटाई क्यों की गई? उधर आला अफसरों ने अभी तक इस मामले में पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। और ऐसी खबर पठानकोट से भी आ रही है, जहां पुलिस की दरिंदगी सामने आई है, जहां पर पुलिस ने जबरन दो भाइयों को उठा लिया, उनसे पैसे छीन लिए और
मोबाइल भी उनका छीन लिया और उन पर जमकर बर्बरता बरती। पठानकोट की ये खबर। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े इन दो भाइयों का आरोप है कि पुलिस ने इन्हें एक झूठे मामले में उठाया और फिर लॉकअप में बंद करके इनकी बुरी तरह पिटाई की। आरोप है कि ये लोग अपनी मां का इलाज कराने अस्पताल आए थे, तभी पठानकोट के थाना डिवीजन नंबर 2 के SHO दूसरे पुलिसकर्मियों के साथ वहां आए और इन्हें उठाकर ले गए। इनका आरोप है कि पुलिस ने इनसे मोबाइल फोन और 10,000 रुपए भी छीन लिए। पूरे मामले की खबर लगते ही विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ठाकुर दिनेश सिंह बब्बू दोनों भाइयों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पूरी घटना की निंदा की और कार्रवाई का भरोसा दिया। डिप्टी स्पीकर ने SSP और IG से आरोपी दारोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहते तुम बाहर जो मैं टीके लगाने है अभी बाहर आए सर, पुलिस वाले ने चुक के SHO ने चुक के सू अंदर गड्डी पा के लम्बे पा के कुटिया सर, सारी रात कुटिया उन्होंने 3:30 बजे तक बाहर गेट से खड़े हैं। उसे एक डिवीजन नंबर 2 के SHO सुखजिंदर सिंह, वो दो बंदे हो रहे जो सिविल वर्दी शराब के नशे से आए हैं और चुकया और पूरी रात थाने रखे। और अब रुक करेंगे मुंबई से, जहां पे मुंबई से सटे ठाणे से खबर आ रही है, जहां पे एक इमारत फिर से गिर गई जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हैं। नगर निगम का कहना है कि उसने पहले भी नोटिस दी थी लेकिन लोगों ने इमारत खाली नहीं की और वहां पर वो बने रहे, लिहाजा ये दुर्घटना देखने को मिली। देर रात तकरीबन 2:30 बजे ठाणे के नौपाड़ा में कृष्णा निवास नाम की 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जिस वक्त हादसा हुआ, इमारत में रहने वाले 5 परिवार गहरी नींद में सो रहे थे। इलाका संकरा होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहां पहुंचने में काफी दिक्कत हुई और तब तक हादसा काफी भयानक शक्ल अख्तियार कर चुका था। इनिशियली पहले 10 मिनट में ऑपरेशन के हम 6 लोगों को जिंदा बचाने में कामयाब हुए, दैट इज अ वेरी गुड अचीवमेंट। उसके बाद भी एक आदमी को और हमने जिंदा बचाया है। उसके बाद हमें अब तक कुल 11 डेड बॉडीज मिली है और 7 अलाइव मिलकर कुल 18 लोगों को निकाला गया है। मेरी पूरी बहन की फैमिली पूरी थी, दोनों लड़कियां थी और हस्बैंड थे उसके और छोटे देवर थे। प्रशासन के मुताबिक लगातार हो रही बारिश की वजह से यह हादसा हुआ है। दरअसल कृष्णा निवास 50 साल पुरानी इमारत है और उसे खाली करने का आदेश दे दिया गया था। बताया जा रहा है कि इमारत मालिक और वहां रहने वाले लोगों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद था और लोगों ने मकान खाली नहीं किया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर पुनर्निर्माण का काम चल रहा था जिसकी वजह से इमारत कमजोर हो गई थी। तो ठाणे की ये दर्दनाक घटना, लेकिन अब बात करेंगे महंगाई के आंसू की। प्याज एक बार फिर देश में लोगों को रुला रहा है। कहीं 50 रुपए किलो तो राजधानी दिल्ली में वो 40 रुपए किलो बिक रहा है। नासिक में प्याज की जो आढ़ती है उनका कहना है कि देश में सप्लाई ढंग से नहीं हो पा रही है, बाढ़ के चलते भी असर पड़ा है। मुंबई में पिछले हफ्ते प्याज की कीमत 20 से 25 रुपए किलो थी, अब ये कीमत बढ़कर 45 रुपए तक पहुंच गई है। खराब मौसम की वजह से कालाबाजारी और सप्लाई में कमी को कीमत बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उधर सरकार का कहना है कि 10,000 टन प्याज का आयात किया जाएगा। केंद्र सरकार पिछले 20 दिन पहले निर्णय ले चुकी है 10,000 टन प्याज के आयात का, और जो हमारे पास स्टॉक है वो हम देना चाहते हैं दिल्ली सरकार को, क्योंकि ज़्यादा बढ़ी हुई कीमतों का असर दिल्ली पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब तक उन्होंने हमसे प्याज नहीं लिए। मैं उम्मीद करता हूँ, पिछले हफ्ते मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, शायद इस स्थिति में वो चेत जाएं। जानकारों की माने तो आने वाले वक्त में प्याज की कीमत में गिरावट नहीं होगी। आपको बता दें कि इस साल करीब 30% प्याज की फसल बेमौसम बारिश के चलते खराब हुई। इस बीच दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 280 आउटलेट के जरिए 40 रुपए किलो प्याज बेचने का फैसला लिया है। संसद में तख्तियां लहराने पर 25 सांसदों के निलंबन के बाद आज विपक्ष ने लोक संसद में प्रदर्शन किया। काली पट्टी बांधे धरने के लिए इकट्ठा हुए सांसदों का नेतृत्व खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया। उनके साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। इस धरने में पूरा विपक्ष एकजुट दिखा। समाजवादी पार्टी, RJD, JDU, NCP, लेफ्ट मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां इस धरने में शामिल हुई। जिस तरीके से उन्होंने हमारे मेंबर्स को सस्पेंड किया वो एंटी डेमोक्रेटिक है, और मेरे हिसाब से जो मैं समझती हूँ लोकतंत्र का हत्या हो रहा है आज का। हम इन पे प्रेशर नहीं कम करेंगे, चाहिए हम सबको पार्लियामेंट से उठा के फेंक दें, पार्लियामेंट में हमें अंदर वापस ना जाने दें, बाकी देश बचा हुआ है हम इनको पूरे देश में घेरेंगे। ममता बनर्जी की TMC हालांकि धरने में तो शामिल नहीं हुई लेकिन उसके सांसदों ने संसद का बहिष्कार कर विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश की। वहीं PM मोदी की मौजूदगी में हुई BJP संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस को गैर जिम्मेदार विपक्ष बताते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। चुनाव के पहले इसी कांग्रेस पार्टी ने इसी सदन से एक दिन 12 लोगों को सस्पेंड कराया, बाहर कर दिया।
एक दिन 9 लोगों को बाहर कर दिया, ये पूरा इतिहास है। लोकसभा तो मंगलवार को कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों की गैर मौजूदगी के बाद सामान्य रूप से चली, मगर राज्यसभा में कोई काम नहीं हो पाया। वहीं कांग्रेस के ने पूरे देश भर में जमकर प्रदर्शन किया, देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि निलंबित सांसदों की वापसी होनी चाहिए। राजधानी दिल्ली में महिला कांग्रेस ने बीजेपी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर अपने सांसदों के निलंबन को गलत करार दिया। मुंबई के हुतात्मा चौक पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में संजय निरुपम, वर्षा गायकवाड़ समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इन लोगों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है और उसे अपने भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा लेना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, या तो वो इस्तीफा दें या उनको उनको पद से हटाया जाना चाहिए, और जब तक नहीं हटाते तब तक कांग्रेस पार्टी का आंदोलन संसद में और संसद के बाहर जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसदों के निलंबन के विरोध में मार्च निकाला। यहाँ कार्यकर्ताओं ने सुषमा स्वराज और दो मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा मांगा। उधर श्रीनगर में भी कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। यहाँ कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। वहीं भोपाल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने 25 सांसदों के निलंबन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उधर अवैध संपत्ति के मामले में नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज सीबीआई ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा सहित उनके आगरा में भी 14 ठिकानों पर छापे मारे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने यादव सिंह के ठिकानों पर छापा मारा। जैसे ही सीबीआई की टीम ठिकानों पर पहुंची, अधिकारियों के बीच में हड़कंप मच गया। 2.5 घंटे से भी अधिक वक्त तक इसके अंदर दफ्तर के अंदर थी और तमाम उनके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो दस्तावेज थे उसको जब्त किया है। और सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी के साथ साथ जो घर है यादव सिंह के, वहां भी छापेमारी की गई और वहां से भी दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया है। अब इन सभी डॉक्यूमेंटों को जब इकट्ठा होने के बाद कंपाइल किया जाएगा और उसके बाद सीबीआई अपने नतीजे निकालेगी कि आखिरकार जो पूरा घोटाला हुआ, पूरा घपला हुआ, वो कैसे हुआ। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलावा सीबीआई की टीम ने फिरोजाबाद और आगरा में भी छापेमारी की और इस दौरान टीम ने महत्वपूर्ण दस्तावेज भी इकट्ठे किए। और अब बात व्यापम घोटाले की। व्यापम घोटाले में विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय और उनकी पत्नी के तबादले पर अदालत ने 6 अगस्त तक रोक लगा दी है। इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने कल शाम तक शिवराज सरकार से जवाब तलब किया है। व्यापम घोटाले के खिलाफ आवाज उठाने वाले डॉक्टर आनंद राय और उनकी पत्नी गौरी राय की संयुक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने फिलहाल तबादले रोक दिए। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर किन वजहों से पति पत्नी का तबादला किया गया। कोर्ट ने बोला है, सरकार से बोला है कि भाई आप बताइए कि डॉक्टर आनंद राय और डॉक्टर गौरी राय का ट्रांसफर आपने क्यों किया। गुरुवार तक आप इसका रिप्लाई फाइल करिए, गुरुवार को दोबारा हियरिंग पे रखा है केस। और कोर्ट ने ये बोला है कि तब तक डॉक्टर आनंद राय और गौरी राय पर कोई भी कोर्स एक्शन नहीं लिया जाए। 2 हफ्ते पहले डॉक्टर आनंद राय के तबादले के बाद सरकारी अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ उनकी पत्नी गौरी का भी तबादला कर दिया गया। डॉक्टर गौरी को पहले इंदौर से महू भेजा गया। महू में ड्यूटी के दौरान लापरवाही का आरोप लगाकर सस्पेंड किया गया। हंगामा मचने के बाद गौरी को बहाल तो किया गया मगर उनका ट्रांसफर उज्जैन कर दिया गया। इसके बाद डॉक्टर राय और उनकी पत्नी दोनों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। देश दिन भर में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने सुंदर महिला की टिप्पणी पर उनकी पत्नी ने पलटवार किया है। घरेलू हिंसा की शिकायत पहले कर चुकी उनकी पत्नी ने कहा है कि सोमनाथ महिलाओं को उनकी सुंदरता के पैमाने पर ही नापते हैं। महिला सुरक्षा पर दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सोमनाथ भारती ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से केजरीवाल सरकार के अधीन आ जाए तो गहनों से लदी सुंदर महिलाएं आधी रात को भी सड़कों पर बेखौफ होकर निकल सकती हैं। विवादित बयान पर हंगामा बढ़ता देख सोमनाथ भारती ने सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उधर सोमनाथ भारती की पत्नी ने भी भारती के बयान की निंदा की और कहा कि निजी जिंदगी में उनके साथ खराब बर्ताव हुआ। कि मुझे फाइनली समझ में आया है भारती जी क्यों मेरे साथ इतने बुरा व्यवहार करते थे। उनको सिर्फ सुंदर महिलाओं का सुरक्षा के प्रति उनको चिंता है। मैं एक एवरेज लुकिंग वुमन हूँ, शायद इसीलिए इतना एफर्ट और इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं अपनी शादी बचा नहीं पाई हूँ। उनको सुंदर महिलाओं का ही सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न है और मैं क्या बोल सकती हूँ, वेरी अनफॉर्चुनेट। इस विवाद से अभी सोमनाथ भारती उबर भी नहीं पाए थे कि एक और मुसीबत ने उन्हें आ घेरा। खिड़की एक्सटेंशन मामले में उपराज्यपाल नजीब जंग ने उनके खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी।
एनएसए स्तर की वार्ता से पहले पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। कानाचक और अखनूर सेक्टर में भारतीय सीमा पर उसने गोलीबारी की जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सरहद की तरफ देर रात से शुरू हुई फायरिंग लगातार रुक रुक कर होती रही। पाकिस्तान ने बीएसएफ की दर्जन भर चौकियों पर गोलीबारी की। पहली फायरिंग कानाचक और परगवाल सेक्टर में हुई तो दूसरी फायरिंग अखनूर सेक्टर में हुई जहां पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे गए। तीसरी फायरिंग पाकिस्तान ने अखनूर सेक्टर में की। जिसमें आम नागरिक की मौत हो गई। इस फायरिंग में एक आम नागरिक की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। महीने भर में पाकिस्तान 10 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। हमारा गांव सरवाल है, परगवाल के साथ हमारा गांव है। हम सिटी किसी काम के लिए गए थे तो वापस आया भी पता चला कि बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है, उसकी वजह से हम इधर रुके हैं। पोस्ट वालों ने हमें रोक लिया है, हमें हर बार इधर बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं भी जा रही थी स्कूल, अभी यहाँ पहुँचे चेक पोस्ट पे तो पीछे भी देखा गाड़ियाँ खड़ी हैं, आर्मी वाले भी थे तो हमें पता नहीं चला कि यहाँ फायरिंग हो रही है। अब जहाँ केरल गाड़ियाँ रुकी है चेक पोस्ट पे, आर्मी वाला तो बहुत बोल रहे हैं कि फायरिंग बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, तो अब हमें वापस जाना पड़ेगा तो ड्यूटी पे भी कैसे जाएंगे। जिंदगी बचाने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस की एक अच्छी मुहिम, खासतौर से थाने से मुंबई तक ग्रीन कॉरिडोर बनाने का फैसला। जिंदगी बचाने के लिए मुहिम को कामयाब बनाया जाएगा। दोनों शहरों की ट्रैफिक पुलिस और अस्पताल के बीच में ये कोऑर्डिनेशन होगा, एक साझा प्रयास। पुणे के जहांगीर अस्पताल में 42 साल की एक महिला के दिल को मुंबई के 22 साल के एक लड़के में ट्रांसप्लांट कर दिया गया। किसी लाइव ऑर्गन के लिए दो शहरों के बीच ऐसा ग्रीन कॉरिडोर बनाने का महाराष्ट्र में ये पहला मामला है। मुंबई की मुस्तैद ट्रैफिक पुलिस ने एयरपोर्ट से मुलुंड में फोर्टिस अस्पताल तक की 20 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 18 मिनट में तय कर ली। इसके लिए तमाम ट्रैफिक को भी रोक दिया गया। ये हार्ट ट्रांसप्लांट जो हुआ वो एक 23 साल का लड़का था जिसके दोनों साइड के हार्ट के चैम्बर्स खराब थे। उनको हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर किया गया था, एक डोनर उनको मिला जिसका हार्ट वहाँ से उठा के यहाँ लेकर उनमें बिठाया है। पेशेंट की तबीयत अभी अच्छी है, सुधर रही है। अब अस्पताल में उस मरीज का दिल एक बार फिर से धड़कने लगा है जिसने जीने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। देश दिनभर में आज अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन IBN 7 पर खबरों का दौर जारी है, लगातार बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।